नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुए गैंगवार की घटना से सकते में आई दिल्ली पुलिस को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम उमंग और विनय बताए जा रहे हैं। इनमें उमंग गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का शूटर है, वहीं दूसरे आरोपी विनय ने घटना वाले दिन शूटरों के फोन और कपड़ों को ठिकाने लगाया था। अब पुलिस इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमंग ने पुलिस के सामने शूटआउट को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उमंग ने बताया कि टिल्लू और ताजपुरिया ने फोन पर निर्देश दिया था। इसके बाद हमले में मारे गए दोनों बदमाशों के साथ मिलकर उसने शूटआउट के पहले रोहिणी कोर्ट की रेकी की थी। बता दें कि उमंग टिल्लू के लिए काम करता है। उमंग के तार इस मामले से इसलिए जुड़े क्योंकि 20 सितंबर को रोहिणी कोर्ट से 30 किलोमीटर दूर हैदरपुर इलाके में एक फ्लैट में दो शूटर रुके थे। वो फ्लैट उमंग का ही था। इसके अलावा घटना वाले दिन कोर्ट तक दोनों शूटरों को पहुंचाने का जिम्मा भी उमंग ने अपने ऊपर ही ले रखा था। उमंग ने दोनों शूटरों को रोहिणी कोर्ट तक छोड़ा। बदमाशों का प्लान था कि उमंग बैकअप प्लान के लिए वकील के कपड़े पहनकर बाहर कार में मौजूद रहेगा। दोनों शूटर कोर्ट रूम में जाएंगे और जितेंद्र को खत्म करने के बाद वापस कार में बैठकर फरार हो जाएंगे, लेकिन प्लान फेल हो गया और शूट आउट के बाद उमंग कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उमंग और विनय की गिरफ्तारी गेट नंबर 4 के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर की है। पुलिस ने विनय के ठिकाने लगाए कपड़े बरामद कर लिए हैं। वहीं उमंग के पास से एक देशी कट्टा भी बरामद किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 हमलावर और 1 गैंगस्टर जितेंद्र गोगी शामिल था। इस घटना के तार सीधे तौर पर टिल्लू गैंग से जुड़े थे क्योंकि गोगी गैंग से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। अब पुलिस की गिरफ्तारी भी उसी ओर इशारा कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।